नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। खोए खोए से लग रहे हैं शारदा। यही सोच रहा हूं कि छाबड़ा प्रीति को यहां भेज तो रहा है, लेकिन प्रीति हमारे प्रकाश को पसंद करेगी या नहीं? अरे पसंद कैसी नहीं करेगी, हमारा प्रकाश कोई लूला है, लंगड़ा है, अरे लाखों में एक है हमारा बेटा। वही तो मैं भी सोच रहा हूं, अगर प्रीति और प्रकाश की शादी हो जाए तो हमारे बिजनेस का सारा लॉस कवर हो जाए और अपना रिसोर्ट भी बहुत जल्दी बन जाएगा। वो कैसे? अरे केसी छाबड़ा कोई मामूली आदमी नहीं है, लंदन के गिने चुने रईसों में से एक है। अपनी बेटी के लिए इतना तो करेगा ही। बस मुझे एक ही बात की फिक्र है कि प्रकाश को समझाना पड़ेगा कि वो अपनी हरकतों को बदल दे। उस बात की आप टेंशन मत लीजिए, प्रकाश को मैं समझाऊंगी। प्रीति के आने के बाद वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। Let's see. हाय, कैसे आना हुआ? तुमने कैसे कैसे नौकर पाल रखे हैं प्रकाश। वो मद्रासी मिला था क्या? हाँ वही। अरे यार, इवन आई एम वेरी फेड अप ऑफ हिम। पता नहीं रोज डेली कोई ना कोई गेटअप बदलता ही रहता है। और बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारी चाहत में
मैं यहाँ खींची चली आई। अबे डैडी को बोल मैं ना कर आता हूं, तुम नहीं जाएंगे वही रह जाएंगे जी। देखो देखो आई चले, पता नहीं कहां से आ गए ना जी वो। चलो ना छोटे सरकार, आइए चलो जी। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। आ बैठो बेटा। प्रकाश, फिलहाल हम तुम्हारी शादी की सोच रहे थे, मैं मालूम ही होगा। यस डैडी। और तुम्हें ये भी मालूम होगा कि जिससे हम तुम्हारी शादी कराने की सोच रहे हैं वो एनआरआई केसी छावड़िया की इकलौती बेटी है। देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि हमारी हर चीज गिरवी रखी है। पता नहीं कब हमारा ये बंगला, हमारी गाड़ियां, हमारा ऐशो आराम कब सड़क पे आ जाए, ये हम नहीं जानते। इस वक्त हम बहुत मुसीबत में हैं और मेरा सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उन आदतों को बदल डालो, क्योंकि बेटा अगर तुम्हारी उन बुरी आदतों की भनक उस लड़की को लग गई ना, तो वो सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल जाएगी, और अगर वो सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें अपना ऐश और आराम, अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए तुम्हारी उससे शादी होना बहुत जरूरी है। और हाँ, वो कल सुबह की फ्लाइट से आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जाना। और बेटा, वहां जाने से पहले प्लीज अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार ले आओ, उसे पता ना चले। ठीक है डैडी, आई विल डू इट। गुड। अयो मैम साहब, ये गमला यहाँ पर रख। अरे रखो ना वहाँ पे। अम्मा, गमला बहुत बारी है। ठीक है। हाँ, अभी सभी को लाइन से लगाओ। किधर? अरे यहाँ उधर कहाँ से ठगे लाए हो तुम? ये लड़की। वही रहने दो। कब ये दर? एक भी ठीक से काम नहीं करते देवू, और वो भी यहाँ रहते। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये? अरे पूरी आवाज के साथ बोला कर, कैसे बोल रहा है तू? अरे इस गमले को यहाँ रख दे। हाँ यही रख। आजा यहाँ रख। और वो भी यहाँ रख दे। अरे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तब से इसे यही समझा रही हूँ कि यही आ रहा है। इस गमले को यहाँ रख दे। आजा। जानदर वाला ला। क्या 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 बोल कर रहा है तू? सुन 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 सुन, तू सिर्फ होठ मत हिलाया कर, कुछ मुंह से बोला भी कर, जुबान से। हाँ, आवाज भी निकाला कर। देख 10 बज रहे हैं, बोलो 11 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे। आ जाएगी। जल्दी कर, जल्दी करो। हाँ, तुम जा जल्दी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जा जल्दी। जाओ ना, तैयार हो तुम भी? तुम तैयार हो गए? टाई भी नहीं पहनी तुमने। टाई पहन रहा हूँ, पहन रहा हूँ टाई। मैं तुम्हें आ जाओ। अरे पहन रहा हूँ ना बाबा। लो आ गए। प्रीति, ये मेरे डैड। नमस्ते। और ये मेरी मॉम। नमस्ते। लो। खुश रहो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी जगह वहां पे नहीं, तुम्हारी जगह तो यहाँ पे है। कौन सी? आओ, चलो चलो आओ। अरे देखो, बाहर से सामान ले आओ। आइयो अम्मा। बेटी, ये मेरा छोटा सा बंगला है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ
जी हम रोज साफ करते हैं उसको कैसे चमक। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ऊपर जाके कुछ खाने का इंतजाम कर। कर जी अम्मा अब जाना जाता क्यों नहीं जा। बेटी यहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी, ऊपर चलकर एसी रूम में चलकर आराम करो। नहीं मुझे यहाँ आप लोगों के बीच अच्छा लग रहा है, मैं यही रहूंगी। अगर आप कहें तो मैं इसे बंगला दिखा दूं। हाँ, sure, sure, why not? जाओ, जाओ, जाओ। चलो मेरे साथ। ठीक ही रहा। कैसी लगी ये जगह? हे हे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? Yes, I'm happy. प्रकाश, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह कुछ जानी पहचानी है, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो ये बात है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम इंडिया पहली बार आई हो, पर बचपन से तुमने इंडिया के बारे में सुना तो होगा, इसीलिए तुम्हें ये जगह जानी पहचानी लग रही है। Am I right? Oh, yeah, possible. इसकी एक और वजह भी हो सकती है, तुम सफर में थक गई हो, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। चले okay. अरे आप? खिदमत में हाजिर हूँ। आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अगर आप भी ऐसा कहेंगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। जॉगिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, यहाँ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे ये सब तो मुझे भी बहुत पसंद है। आप जो चाहे कर सकते हैं। नाची बॉय। अरे अरे प्रीति तुम चलो, मैं एक मिनट में आता हूँ। ओके।
8:30? ओह माय गॉड, मैं तो लेट हो गई। अरे प्रीति, तुम आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकी। ऐसी कोई बात नहीं है, रात को थोड़ी देर से सोया था इसलिए सुबह थोड़ी देर से आंख खुली। मेरी वजह से? अरे ऐसा क्यों कहती हो तुम? तुम्हारा नाराज होना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ रियली? रियली। अब तुम एक काम करो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें वो जगह दिखाने ले चलता हूँ जहाँ हम अपने सपनों की नगरी बनाने वाले। ओके, मैं अभी आती हूँ। अरे आज बहुत काम पड़ा है, इतना काम। अरे रामू, आओ ऊपर से। हाँ हाँ वो करो। अरे उधर जाओ उधर। अरे तुम इधर क्या कर रहे हो, उधर चलो। हाँ अरे हाँ 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 अरे फटाफट करो फटाफट। हाँ छोटे सरकार की गाड़ी आ रही है। छोटी सरकार आ रही है। नमस्ते छोटे सरकार, आइए आइए। ये देखो, इस पहाड़ी के ऊपर हमारा एक रिसॉर्ट बनता है और इस वक्त वहां मजदूर काम कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है साहब। 6 महीने में पूरा हो जाएगा। अरे पत्थर गिर गया। प्रीति, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नो, आई एम ओके प्रकाश। ये गरीब मजदूर लोग होते ही ऐसे हैं, जरा सा बचा क्या लेते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। चलो यहां से चलो। क्या हुआ प्रीति? आपको उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो भी तो इंसान है। I realize my mistake, प्रीति, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं क्या करूं? अगर तुम कहो तो मैं उसे अभी जाके माफी मांग लेता हूं। नहीं जाने दीजिए, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी। नाउ कम ऑन प्रकाश। ठीक है चलो लेट्स गो। बैठो। Thank you.
जाना बेचारा सा लग रहा है। ये तो राजकुमारी जी का था। तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी जी का हाल लौटाने आया हूँ। ये मुझे काम करते वक्त मिला। प्रीति, ये हार क्या तुम्हारा है? नहीं तो? नहीं नहीं राजकुमारी जी, ये हार आप ही का है। पिछले जन्म में आप ये हार पहना करती थी और मैं अबे लगता है पिछले जन्म में राजकुमार था। जा जा जा, चला जाया थे। मैं और दोबारा अगर यहाँ दिखाई दिया ना तो इसी हार से तेरा गला घोट दूंगा। चल चल, मेरी बात चल थे। मिलने के बहाने ढूंढते रहते, छोटे गरीब लोग होते ही ऐसे। आज राजकुमारी जी का जन्मदिन भी था। अरे राजा बड़ी जल्दी में हो? मैं अभी जल्दी में हूँ, शाम को लौटने के बाद मिलता हूँ। जरा सुनो तो, तुमसे कुछ काम है भैया? अभी नहीं, आज राजकुमारी जी का जन्मदिन है, उनको तोहफा भी देना है, देर ना हो जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है शाम को मिलता हूँ। अच्छा आता हूँ, ठीक है। आजकल इससे हो क्या गया है, हरदम बहकी बातें करता है। रंभा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपका राजा। राजकुमार रंभा तो मैं नहीं हूं, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, ये बात राजा को कैसे पता चली? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरी स्टैचू है, राजा ने कब और कैसे बनाई? चोरी करने आया था।
चंदन की बधाई देने आया था, छोड़ दे इसे। और राजा सुनो, चंदन की मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन इंसान को जमीन पर रहकर आसमान की ख्वाब नहीं देखनी चाहिए। दोबारा कभी मेरे बारे में सोचना भी मत। प्रकाश, इसे जाने दो। चल निकल यहां से। कूल डाउन प्रकाश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ऐसे छोटे और गरीब लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये किसी और ही चक्कर में आते हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। दोबारा इस बंगले में आने की कोशिश भी कैसे करते मैं देखता हूं। कूल डाउन राजा, मेरी बात मानो। दुनिया में कोई पुनर्जन्म दूसरा जन्म नहीं होता। फिर वो मेरे सपनों में रोज रोज क्यों आती है? संयोग से वो तुम्हारे बाहों में आ गई, उसकी छवि तुम्हारे मन में भा गई, इसलिए दिन में भी तुम उसी के सपने देख रहे हो। ऐसा हो सकता है? सच्चाई यही है राजा की, वो तेरे मालिक की मंगेतर है। उसे भूल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। राजा मैं जानती हूँ मेरा प्यार एक तरफा है। अगर वो सच में तुम्हारे पिछले जन्म की राजकुमारी है तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। फिर भी सोच लो राजा, ये ज्योति तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। मैं चलता हूं। अरे जाता किधर है? मुझे जाने दो, अभी मुझे बहुत से काम है, समझी तुम? बड़ा बेदर्दी है रे तू राजा। जिस दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे उस दिन मैं समझूंगी कि हमारा प्यार सच्चा है, वरना मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं प्रकाश, नहीं, अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? क्यों, सुनकर अच्छा नहीं लगा? लगेगा भी कैसे, क्योंकि दिल में तो कोई और बसी है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझसे शादी करोगे? बोलो, करोगे मुझसे शादी? अरे शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। अरे पर फिलहाल तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तुम ये बच्चा गिरा दो, अबॉर्शन कर लो, ताकि तुम बिना रोक टोक मेरी जिंदगी से खेल सको। आई हेट यू प्रकाश, आई हेट यू। डेजी, डेजी, दिमाग को ठंडा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनाओगे? सुना है तो मेरा फैसला सुनो। प्रकाश, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे अपनी बीवी बना लो, वरना तुम समझ लेना कि तुम्हारी डेजी मर चुकी है। बोलो तुम क्या चाहते हो? डेजी, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, लेकिन मजबूरियां मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए मुझे प्रीति से ही शादी करनी पड़ेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रीति बहुत पैसे वाली है, एक बार उससे शादी कर लूंगा ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी आबाद हो जाएगी। और एक बार उससे शादी हो गई ना तो उसे रास्ते से हटाकर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस बस प्रकाश, तू मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। और मैं ये भी जानती हूँ प्रीति के साथ क्या होगा। जो प्रीति को धोखा दे सकता है वो मुझे भी धोखा दे सकता है। जो प्रीति का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। तुम यहाँ से चले जाओ प्रकाश, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Get out from here. I say get out.
खराब हो गया है, पता नहीं कब अकल आएगी। अपने आप को समझती क्या है, अगली बार मिलेगी तो बराबर कर दूंगा। बाबूजी, आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको पहचानती हूँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तुम तो राजा के हाँ, साथ राजा के साथ आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशानी की तो बात है, जो मुझे चाहती है मैं उसे नहीं चाहता, जिसे मैं चाहता हूँ वो राजा को चाहती है। हाँ बाबूजी, मैं भी राजा को बहुत चाहती हूँ, पर राजा आपकी मंगेतर के पीछे पागल है। लगता है तुम्हारी और मेरी एक ही कहानी है, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। गई थी। क्या बात हुई बता तो सही। नहीं नहीं बता, मुझे लाज आती है। अरे मंत्री जी का बेटा अमर सिंह आ गया, शिव जी भागो 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 भागो। जी आपने मुझे बुलाया पिताश्री। हाँ पुत्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम राजकुमार नहीं। इस बात का ज्ञान है मुझे पिताश्री। मंत्री पुत्र हो और हम इस देश के राजा नहीं, मंत्री हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं पिताश्री, क्योंकि राजकार्य की सारी बागडोर आपकी मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी आप राजा नहीं हैं। यह कैसा न्याय है? अफसोस इस बात का है कि हमने अपने जीवन काल में ऐसे अपराध किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। अचानक समय ने ऐसी करवट ली कि मेरे उन कर्मों का फल तुम्हारी पोली भाली मां को चुकाना पड़ा, और तब हमें यह ज्ञात हुआ कि ये हमारे उन्हीं कर्मों का नतीजा है। खुद हम चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि समय फिर अपने आप को तुम्हारे साथ दोहराए और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हमारा कहा मानो पुत्र, अभी भी समय है, अब
अपनी सोच को बदल डालो, बदल डालो, वरना जिंदगी भर तुम हमारी तरह पछताते रहोगे। हाँ, राजभक्ति के मार्ग पर चल रहे पिताश्री, जिसका मेरे लिए कोई मान्य नहीं। अगर आप राजगद्दी पर ना बैठना चाहे तो ना सही, लेकिन अब इस राजगद्दी पर अमर सिंह बैठेगा। मेरी इस बात पर विचार जरूर करना पुत्र। हम कुछ आवश्यक कार्य से एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और आशा करते हैं कि तुम यहां सब कुछ संभाल लोगे। विवाह उपरांत राजकुमारी का पति राज सिंहासन पर बैठ सकता है ना? बस तो इतना समझिए, आप राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र अमर सिंह से ही होगा। पिता होने के नाते आप इतना तो करेंगे ना मेरे लिए? जाइए पिताजी, अमर सिंह की शक्ति राजकुमारी का मन मोह लेगी। आदर के साथ मंत्रणा कक्ष में बिठाएं। हम स्नान के उपरांत आते हैं। जो आज्ञा। राजकुमारी रंभा पधार रही है। राजकुमारी की जय हो, 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 राजकुमारी की जय हो। कुमारी जी, हम आपके साथ मंत्रणा करना चाहते हैं। महामंत्री, आप हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। राजकुमारी, मंत्रणा का संबंध आपकी सुरक्षा से। हमारी सुरक्षा से? जी हाँ, हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि पड़ोस के राजा हमारे राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु आपका अपहरण करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए राजकुमारी कि अगले वर्ष आप 18 वर्ष की हो जाएंगे और इस उम्र के होते संविधान के अनुसार आपको विवाह कर लेना है, क्योंकि आपके भावी पतिदेव ही इस राज्य के भावी राजा होंगे। अतः कई राज्य के राजा आपसे विवाह करने हेतु प्रयासरत हैं। महामंत्री जी, बेहतर होगा ऐसे विकट काल में आप अपनी सूझबूझ से ही काम लें। राजकुमारी जी, आपकी सुरक्षा हेतु हमने एक कवच बनाया है, जिसकी बागडोर हमारे पुत्र अमर सिंह के हाथों में होगी। हमें स्वीकार है महामंत्री जी। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक भी है। आज से आपके कहीं भी आने जाने का कार्यक्रम अमर सिंह तय करेंगे। इनकी अनुमति के बिना आप राजमहल से पग बाहर नहीं रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा। आज की सभा समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं आपसे। राजकुमारी रंभा की जय हो, राजकुमारी रंभा की जय हो, राजकुमारी रंभा की जय हो। लगता है ये राजमहल हमारे लिए बंदी गृह बन गया है। सभी जैसे चिड़ियों की तरह
कहीं भी विचरण कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती? लगता है कि ऐसी स्थिति में मैं पागल होकर रह जाऊंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? परंतु ऐसी घुटन भरी स्थिति में जीऊं कैसे? कोई तो युक्ति हो कि मैं बाहर घूमकर भी आ जाऊं और किसी को ज्ञात ना हो। वाह, क्या युक्ति है! बनाते रहे, परंतु ये किसकी मूर्ति है? मैं भी नहीं जानता। इसे कन्याओं के साथ खेल के मैदान में देखा, तब से इसका मुखमंडल मेरे मन में बस गया है। परंतु मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। अहंकार की पट्टी खोलो देवी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी मूर्त नहीं होगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मूर्त मेरे सपनों को साकार करेगी। कौन सा स्वप्न? राजघराने से सम्मानित होने का स्वप्न। तो तुम इसे राजघराने को भेंट करोगे? मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। परंतु तुम वहाँ पर जाओगे कब? आज ही, संध्या तक। महामंत्री की जय हो। अन्नदाता, एक युवा शिल्पकार राजघराने को कुछ भेंट करने की इच्छा से आया है। उसे सम्मान से ले आओ। जो आज्ञा। महामंत्री की जय हो। महामंत्री जी, मैं राजघराने को अपनी एक कलाकृति भेंट करना चाहता हूं। हमने सदैव कलाकारों का स्वागत किया है, तुम्हारा भी स्वागत है शिल्पकार। महामंत्री जी, ये तुझ भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी रंभा की प्रतिमा? जी। तुमने उन्हें कहां देखा? जी, मैंने राजकुमारी को पहले कभी नहीं देखा। असंभव। सत्य है महामंत्री जी, अगर इस प्रतिमा का स्वरूप राजकुमारी जी से मिलता है तो ये मात्र संयोग है। जो भी हो, तुम्हारी प्रतिमा प्रशंसा के योग्य है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार पुरस्कृत करना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महामंत्री जी, मैं नहीं जानता कि यह प्रतिमा राजकुमारी जी की है, परंतु जिसकी भी है उसकी छवि मेरे हृदय में अंकित है। आप मुझे अगर मेरी इच्छा अनुसार सम्मानित करना चाहते हैं तो मैं पुरस्कार स्वरूप राजकुमारी जी को अपना बनाना चाहूंगा। शिल्पकार, अपनी मर्यादा में रहो। दरबारी, आओ, ये मूर्ति लो और महल के किस कोने में फेंक दो। शांत पुत्र, शांत।
हम तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए वचनबद्ध हैं, परंतु राजकुमारी को मांगकर तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि हम गरीब हैं? नहीं, नहीं। राजघराने ने हमेशा कलाकार को स्वयं से सर्वोच्च माना है, लेकिन तुमने कला के संसार में ऐसा कोई सर्वोच्च कार्य नहीं किया जिससे तुम्हें राजकुमारी के समतुल्य समझे। महामंत्री जी, अगर आप समय दें तो मैं उस सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास एक वर्ष की अवधि है, पर उसके उपरांत हम अपनी वचनबद्धता से मुक्त हो जाएंगे। अवधि समाप्त होने से पूर्व यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा अपनी उपलब्धि के साथ अपना पुरस्कार पाने हेतु। महामंत्री जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा भी है और आशीर्वाद भी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कृतियां बना के लाओ जो आज तक किसी ने ना बनाई हो, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, नवीन, सबसे अलग। अब तुम जा सकते हो। ठीक है महामंत्री जी। यह आपने क्या किया पिताश्री? वही जो एक न्यायाधीश प्रशासक को करना चाहिए, पर तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा कर पाएगा? पुत्र, तुम व्यर्थ क्रोध अग्नि में चल रहे हो। अरे क्रोध स्वयं का शत्रु होता है, यह महत्वाकांक्षा का मार्ग नहीं है। मुझे मार्ग दिखाने की चेष्टा ना कीजिए पिताश्री। शत्रुता तो आपने मुझसे की है, आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि राजकुमारी रंभा का त्याग करके आपका यह पुत्र जीवित नहीं रह पाएगा। और आपने तो पुरस्कार स्वरूप उस शिल्पकार को राजकुमारी देने का वचन दे दिया। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है पिताश्री। नहीं पुत्र, नहीं। तुम मेरी व्यवस्था समझने की कोशिश करो। अरे राजकर्म की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य और वफादारी की बातें आपके मुख से अशंभित लगती हैं पिताश्री। कहां गया था आपका कर्तव्य जब आपने महारानी और महाराजा का वध किया था? तुम्हें ये कैसे ज्ञात हुआ? मुझे तो यह बात भी ज्ञात है कि महाराजा और महारानी का वध करके आपने उसका पूरा दोष अपने भ्राता विजय सिंह पर लगा दिया था, और फिर उसे मृत्युदंड देकर आपने अपना मार्ग निसंकट बना लिया। ये सत्य है अमर सिंह, परंतु राज्य की बागडोर संभालने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि कर्तव्य प्रहारता क्या है। राजा प्रजा के लिए ईश्वर स्वरूप होता है, जो प्रजा का पालन तो कर सकता है लेकिन संहार नहीं। राजा पिता भी होता है, और कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं सोच सकता। तुम ठीक कहते हो, इसीलिए तो हमने उस शिल्पकार को अनंत मार्ग पर चलने भेजा है। वो इतनी जल्दी सोचाई को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और ना ही उसके अभाव में राजकुमारी को प्राप्त कर सकेगा। यदि उसने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया तो समझो कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। यद्यपि वो ऐसा नहीं कर पाया तो राजकुमारी से विवाह का तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पुत्र, अपने क्रोध को काबू में रखो, चलो। मुझे स्वीकार है आदित्य, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। रति क्रीड़ा ईश्वर प्रदत्त है, इसे युक्ति पूर्वक संपन्न करना एक कला है। कला को व्यक्त करना कोई पाप नहीं, इसमें हमारी सखियां तथा मित्रगण सहभागी हो सकते हैं। ऐसा संभव हुआ तो हम संसार में शिल्पकारों में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अच्छा, फिर ये विलंब क्यों? ऐसा शुभ कार्य आज ही क्यों नहीं, परंतु ये कार्य होगा कहाँ? सुंदरवन के कंदराओं में एकाग्रता भी है, और वहां के पत्थर शिल्पकारी योग्य भी है। तुम अन्य कलाकारों से संपर्क करो, हम आज ही वहां जाने की तैयारी करते हैं। राजकुमार जी, आज मैं आपको एक प्रतिमा दिखाती हूँ। दिखाओ।
शिल्पकार आदित्य ने महामंत्री ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार मांगने को कहा, तो पता है उसने क्या मांगा? क्या मांगा? राजकुमारी रंभा को। क्या? महामंत्री ने उससे कहा कि यदि तुम शिल्प के संसार में सर्वोच्चता प्राप्त कर लो तो तुम्हें राजकुमारी मिल सकती है। फिर वो शिल्पकार आजकल एक महान कलाकृति की रचना पर कार्यरत हैं। तुम उसे जानती हो? मेरी एक सखी उसके साथ काम कर रही है। तुम मेरे लिए वस्त्रों का प्रबंध करो। जी राजकुमारी जी। अनामिका, तुमने अपनी सखी का नाम क्या बताया? रजनीगंधा। रजनीगंधा, तुम कला में अपना योगदान देना चाहती हो जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्यशाला में कब जाना चाहोगी? जब आप चाहें। आज ही चलते हैं। मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, तुम लोग यही बैठो, भोजन के पश्चात ही चलेंगे। ठीक है। आओ देवंती। ये कौन है? ये रजनीगंधा है। ये हमारी कलाकृतियों में अपना योगदान देना चाहती है। आज तुम इनकी प्रतिमा बनाओ, मैं अन्य कार्यवश आज अनुपस्थित रहूंगी। आज सुकन्या, शोभा, अर्जुन, नैना सबके सब अनुपस्थित है। हो सकता है वो विलंब से आए। मैं चलती हूँ। चलो अनामिका। तुम्हारा मुखमंडल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। परंतु मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मनमंथन से लाभ नहीं होगा। आओ कार्यशाला में चले। कार्यशाला? ये तो मेरा कला संग्रहालय है, वहाँ चलते हैं। वहाँ चलकर मैं आपकी शिल्प कृतियां बनाऊंगा। चले जी। आओ। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कार्यशाला से आई हूँ, तुम वहां क्यों नहीं आए? देवंती, एक ही कार्य करते करते मन ऊब सा जाता है, अतः मैंने दृढ़ निश्चय किया है। अच्छा किया, परंतु तुम मुझे बता दे। क्षमा करना, मैं आलसवश आ नहीं सका। आगे का कार्यक्रम क्या है? तुम घर जाके विश्राम करो, कार्यक्रम की सूचना मैं स्वयं तुम्हें आके दूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ। सुंदरी, तनिक रुकिए। तुम्हारे सुंदर रूप ने हमारे हृदय को भेद दिया है। हम पागल हो गए हैं। सुनो सुंदरी, इस महामंत्री पुत्र को आज तक किसी ने मना करने का दुस्साहस नहीं किया। आज तुम्हारे भाग खुल गए हैं। तुम्हारी सुंदरता ने हमारे हृदय को बेबस कर दिया है। कामरस सर पे सवार है हमारे आलिंगन में। और रूपमती, और इस ज्वाला को शांत करो। मुझे अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए महामंत्री पुत्र का सहारा लेना होगा। हाँ, ये युक्ति ठीक है। ये असंभव है महामंत्री पुत्र, ये असंभव है। ऐसा ना कहो रूपमती, अन्यथा हमें बल का प्रयोग करना होगा।
ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ है? ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? भगवान तो भगवान हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार ही तो किया था, फिर उसकी सजा हमें क्यों मिली? तू उसको क्यों नहीं दिखाता? तू उसको ये सब क्यों नहीं दिखाता? भगवान तू तो जानता है हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। राजकुमारी मेरी है, सिर्फ मेरी है। भगवान राजकुमारी को मुझे वापस दे दे, मेरी राजकुमारी मुझे वापस दे दे। भगवान तू उसे भी याद दिला, वो मेरी राजकुमारी रंभा है, राजकुमारी रंभा। रंभा मैं तुम्हारा आदित्य हूं, आदित्य वो मेरी प्रेमिका है, प्रेमिका है। भगवान उस जन्म में तो नहीं मिला, तू उस जन्म में तो मिला दे, उस जन्म में तो मिला दे। राजकुमारी तू तो जानता, तू तो जानता है कि रंभा पिछले जन्म मेरी राजकुमारी थी, हम दोनों एक दूसरे से क्या प्यार करते थे। मैं उसको कितने ही घंटों बैठा के कलाकृतियों के बारे में बताया करता था। भगवान उसे याद क्यों नहीं दिलाता जिस तरह तूने मुझे दिखाया है? सब तुझे क्यों नहीं दिखाता भगवान? भगवान राजकुमारी प्रकाश बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम कुछ भी करो, कैसे भी प्रीति को ढूंढो, ढूंढो उसे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, गलती हमसे ही हुई है जो हमने उसका इंतजार किया, लेकिन अब हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। मैं उसे किसी तरीके से भी ढूंढ कर लाऊंगा। देखिए डैडी, मैं समझ सकता हूं कि आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी तरीके से भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा। प्लीज जाओ बेटा जाओ। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो क्या हुआ, कुछ पता लगा? अरे कुछ पता नहीं लगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। कल रात की निकली हुई प्रीति आज आधी रात होने आई, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। मेरी समझ में नहीं आता हम लोग छाबड़ा साहब को क्या जवाब देंगे। अरे छाबड़ा साहब को क्या जवाब देंगे वो देखी जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि प्रीति क्यों गई और कहां गई। देखो अगर प्रीति नहीं मिली ना तो ये समझ लो कि हमारे ये बंगला मोटर कार ये सब नीलाम हो जाएंगे। देखिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अरे देखिए अगर ये तूफानी बारिश नहीं होती तो मैं भी तो उसे ढूंढने जा सकती थी ना। हाँ तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं थी, प्रकाश गया उसे ढूंढने। हाँ वो तो उसे ढूंढ कर लाएगा ना, भगवान करे कि वो उसे ढूंढ ले। अगर प्रीति मिल गई तो वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ से, चलो, चलो प्रीति, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से, प्रकाश